कन्नौज में चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार का शोर थम गया। कन्नौज में निर्वाचन अफसरों व पुलिस ने शाम के बाद की रणनीति को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसे लेकर डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला व एसपी अमित कुमार आनंद ने केंद्रीय फोर्स के अफसरों के साथ सुबह से ही मंथन शुरू कर दिया था। एसपी सिविल पुलिस व केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्स को सुबह से ही ब्रीफ करने में जुटे रहे। लगभग कन्नौज में जो है परसों 13 मई को मतदान होना है और उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं वो हमारी पूर्ण हो गई हैं। सभी पोलिंग पार्टियां तय हो गई हैं, उनका प्रतीक्षा हो गया है और कल अपना जो उनका गंतव्य है वहां से वो प्रस्थान करेंगे अपना सारा निर्वाचन सामग्री लेके। साथ ही साथ जो हमारे बाहर से फोर्स आने थे वो सारे फोर्स आ चुके हैं, उनको भी उनके जो विभिन्न प्रस्थान हैं उनको बता दिया गया है। उनका भी जो है प्रशिक्षण और ब्रीफिंग आज पुलिस लाइन में एक बृहद स्तर पर उनको बता दिया गया है ताकि उनको कहाँ पर जाना है और क्या डिसीजन होंगे हैं ताकि हम सभी अपने मतदाताओं को एक अच्छा माहौल दे सकें। कुछ मुख्य बातें हैं जैसे यातायात का, तो इसके बारे में ये रहेगा कि पूरे जनपद में यातायात सामान्य रहेगा। जो हमारा मतदान केंद्र का 200 मीटर का दायरा है बस उसमें कोई अपना वाहन लेके नहीं जाएंगे और उनमें भी यदि कोई असहाय कोई अशक्त अतिथि कोई है तो वो अभी अपना ई रिक्शा से यानी कोई छोटे वाहन से अपना मतदान केंद्र के लिए तक आ सकेंगे और बाद में वहाँ पर उनको हम व्हील चेयर के माध्यम से उनके बूथ तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।